तो आज कार्यक्रम में हमारी गेस्ट हैं टैरोकार्ड एक्सपर्ट तारा मल्होत्रा जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। तारा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया नंदिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगी, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में कॉल के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं और नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तारा जी, शुरुआत में जैसे कि हम एक अच्छे विचार की बात करते हैं, तो क्या है आज कार्यक्रम में सुविचार? जरूर, आज का सुविचार है कि जब हम कुछ भी नहीं कर सकते, कभी जब हम ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, वहां एक चीज जरूर करें, वो है सच्चे दिल से प्रयास। तो प्रयास करना, हिम्मत रखना और दोबारा ट्राई करना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हार से भी हमें लेसन लेके जीतने का प्रयास दोबारा करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा ख्याल है और वाकई बहुत मोटिवेशनल लाइन आपने बोली है कार्यक्रम की शुरुआत में ही। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं एक नंबर वालों की। एक नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन तारा जी? काम को लेके एक नंबर वालों के लिए आज एक ऐसी सिचुएशन में ये फंस सकते हैं जहां पे रास्ता नहीं इनको मिलेगा, तो आज इनको हेल्प की जरूरत है। दूसरों से सपोर्ट मांगें, दूसरों से गाइडेंस लें और उसके बाद उसके ऊपर विचार करके आगे बढ़े। आज अनक्लैरिटी है, लैक ऑफ क्लैरिटी है काम में, व्यवसाय में, जॉब में। तो अगर क्लैरिटी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज अच्छा दिन नहीं है, पैसे उधार देने के लिए आज अच्छा दिन नहीं है। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आज के दिन रुक जाएं और आज आर्ग्यूमेंट में भी किसी के साथ नहीं पड़े। आज थोड़ा सा काम एंड पीस रखें अपने वर्क प्लेस पे, काम में, करियर में। जहां तक रिश्तों की बात है, रिश्ते काफी बैलेंस्ड है। रिश्तों के अंदर काफी आपने संयम बनाया हुआ है और आज जितना आप अपने पार्टनर के साथ, जितना आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, इमोशन शेयर करेंगे, उतना ही आपको वापस मिलेगा। तो आज काफी बैलेंस्ड है सारे रिलेशनशिप। अगर मैरिज करना चाहते हैं तो आज का दिन आप आगे बढ़ सकते हैं। हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट है आज। कल जैसे कि हमने कार्ड में देखा था कि हेल्थ काफी डाउन थी और चिंता का विषय थी, तो आज हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट है और धीरे धीरे हेल्थ आज से ठीक होती जाएगी। लकी कलर आज का रहेगा येलो और लकी नंबर रहेगा 8। चलिए, हमारे साथ अंबाला से कॉलर जुड़ी हैं अनु। अनु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी मैडम, मैंने एक पूछना था आपसे। मैं जी पूछना, कर की कंडीशन ठीक नहीं है, कैसे होगी? थोड़ा सा आइडिया दो। हस्बैंड थोड़ा सा कहने में नहीं है जरा का। वैसे है, सब कुछ है मेरे पास, कुछ मेरी पीछे ना प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को, मैं बीमार थी, तो इसलिए घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा, कैसे ठीक होगा थोड़ा सा? जी जी देखिए, जो कार्ड्स बता रहे हैं आपके, थोड़ा आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीना अभी और लगेगा घर में शांति आने के लिए। तो आपको अभी, अगर कार्ड्स जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको शांत रहना है, रिएक्ट नहीं करना और पेशेंस बनाए रखनी है। तकरीबन अगले 1 से 1.5 महीने तक उपाय के तौर पे थर्सडे के दिन से, यानी कल रात को, आप अपने सिरहाने के नीचे कैम्फर यानी कपूर रख सकती हैं और अपने हस्बैंड के पिलो के नीचे एक चुटकी सिंदूर कागज में बांध के रख दें। अगले दिन सुबह यानी फ्राइडे मॉर्निंग सिंदूर को जमीन में फेंक दें और कैम्फर को बाहर ले जाके चला दें। इसको लगातार थर्सडे से स्टार्ट करके 11 दिन कीजिए, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं तारा जी, और अब बात कर लेते हैं दो नंबर वालों की। दो नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? दो नंबर वालों के लिए आज का दिन बहुत ही कमाल का है, बहुत ही खूबसूरत दिन है। अगर हम काम या रिश्तों की बात करें, काम में आज मूवमेंट है, ट्रैवलिंग भी दिख रही है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, मतलब अगर जॉब बदलना चाहते हैं, बिजनेस में कोई नई चीज लाना चाहते हैं, कोई बदलाव लाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आज बहुत ही अच्छा दिन है। अगर आप ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, तब भी आपको आज का दिन
काफी आपके लिए शुभ है और आप इसको शुरुआत में ला सकते हैं। आज के दिन आप जो भी काम करेंगे उससे आपको मुनाफा तो होगा ही होगा, साथ में आपको नाम और ऐश्वर्य भी मिलेगा। तो आज का दिन काम को लेके बहुत ही शुभ है। रिश्तों में भी एक नई उम्मीद, नई होप है। रिश्तों में मैरिज के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। पार्टनर आज आपके साथ बहुत ही प्यार से रहेंगे। आज आपको कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है, कहीं ना कहीं से कोई आपको अच्छी खबर भी जरूर आएगी। बट हेल्थ का आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। हेल्थ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इश्यूज दिख रहे हैं जो अभी उभर के नहीं आ रहे, बट वो आपके अंदर ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं। तो आज अगर हो सके तो हेल्थ के टेस्ट या कुछ अगर पेंडिंग है हेल्थ से जुड़ा हुआ तो उस पर ध्यान दें। लकी नंबर रहेगा 3 और कलर है रेड। चलिए बिल्कुल तारा जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं दीपक जीन से। दीपक जी स्वागत है आपका, आवाज आपको मिल पा रही है जी? बिल्कुल जी, अपना सवाल रख सकते हैं आप। जी मैडम, शादी के बारे में जानना था। जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी 23/11/1995। जी, अपनी शादी को लेकर आपका सवाल क्या है कि कब तक शादी होगी? हाँ जी जी, दीपक जी 6 से 7 महीने का समय आ रहा है, उसके बाद ही आपकी बात बनेगी और शादी बहुत ही अच्छे से होगी। और उसके बाद आप काफी अच्छी लाइफ भी स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। तो अभी थोड़ा सा और वेट करना है, 6 to 7 months, जी। और उसके बाद सब अच्छा ही है आपके लिए। चलिए सब कुछ अच्छा है। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं 3 नंबर वालों की। तारा जी 3 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड चार्ट? 3 नंबर वालों के लिए आज काम में काफी इश्यूज हैं, कोई चीजें इनको दिख रही हैं, क्लैरिटी नहीं है और अपने ही लोग धोखा दे सकते हैं। तो काफी आज केयरफुल रहना है, बातें शेयर नहीं करनी है इधर उधर और अपने पे विश्वास रखना है। रिलेशनशिप में भी वहीं पे आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अपनी तरफ से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक कदम आगे उठाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि पार्टनर्स के साथ रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट आए तो आपको भी उसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे। आज हेल्थ काफी बैलेंस्ड है, हेल्थ में जो भी इश्यूज हैं उनको आप अच्छे से बैलेंस करें और अपना ध्यान भी रख रहे हैं। लकी नंबर है 7, कलर है ग्रीन। चलिए आगे बढ़ते हुए तारा जी अब बात कर लेते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। उनका एक बार अपना नाम बताइए। राजपाल नाम है उनका। राजपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी जी, अपना सवाल रख सकते हैं आप। मेरे बारे में जी, परेशान चल रहा हूँ जी। क्या सवाल है आपका? मैं परेशान चल रहा हूँ जी। क्या एक सवाल है सवाल इनका? उनका ये है कि वो परेशान चल रहे हैं और कब तक सब कुछ ठीक होगा। राजपाल उनका नाम है जो कॉलर जुड़े हैं। देखिए, जो आप परेशान चल रहे हैं कहीं ना कहीं पे एक आपको ही अपनी सोच बदलनी है, कार्ड ये बता रहे हैं। और साथ ही साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं पे नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, जो कि कार्ड ये बता रहे हैं कि एनर्जीज को बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। जी उपाय के तौर पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप शनिवार को नमक और लाल मिर्च लेके आप एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी वार के अपने कंधे से, लेफ्ट कंधे से, बाएं कंधे से पीछे फेंक दें और घर आ जाए। शाम के टाइम ये उपाय करें, लगातार 3 शनिवार करें, आपको काफी रिलीफ मिलेगा। बट कहीं ना कहीं आपको भी अपनी सोच में बदलनी होगी, तभी आप अपनी परेशानियों से बाहर आ पाएंगे। जी चलिए आगे बढ़ते हैं तारा जी, और अब बात कर लेते हैं 4 नंबर वालों की। 4 नंबर वालों के लिए आज कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो रहे हैं काम के अंदर। कोई भी अगर कुछ बात कह रहा है वर्क प्लेस में तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर आज बातों को ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वर्क है, काम है, करियर है, दिमाग से चलना है ना कि इमोशन से। और कहीं ना कहीं आप फैमिली को लेके भी काफी परेशान है जिसका इम्पैक्ट काम के ऊपर आ रहा है। तो आज आपको थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस करना है कि काम के समय काम और फैमिली के समय फैमिली,
तभी आप काम में अच्छा कर पाएंगे, वरना आज काम में परेशानियां आएंगी और इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। और साथ ही साथ रिश्तों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक स्टेप लेना चाहते हैं, बट आगे से आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आज का दिन आपके स्टेप लेने का है, आपके आगे बढ़ने का है। पॉजिटिव होकर आप कदम आगे बढ़ाएंगे रिश्तों में और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनकी भी आज बात बन जाएगी। और हेल्थ में जो है कुछ इश्यूज हैं जो आप काफी टाइम से निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। लकी नंबर आपके लिए है 8 और लकी कलर है व्हाइट। जी चलिए, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं विकास कुरुक्षेत्र से। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। जी मैम, मैंने अपने ना एक मकान मेरा कब बनेगा और गाड़ी कब तक ली जाएगी, इसके बारे में पूछना। जी अपना घर और अपनी गाड़ी को लेकर उनका सवाल है, विकास नाम है। और अपना डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं आप? 26/1/1981। जी देखिए, जहां तक गाड़ी की बात है, वो अगले साल 6-7 से 8 महीने के अंदर आप ले सकते हैं और आपके लिए शुभ भी रहेगा। बट घर लेने में अभी मुझे समय दिख रहा है, कुछ साल दिख रहे हैं इससे पहले कि आप अपना घर बना पाए। जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, शाहरुख नाम है। शाहरुख कहाँ से हैं आप? मैं शाहरुख, मेरा नाम फारूक है, मैं पालघर से हूँ। जी जी अपना सवाल रख सकते हैं आप। मेरा सवाल ये है कि मेरे घर पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो अपना मियाँ बीवी के साथ, तो उससे उतना बर्ताव नहीं है, तो उसका कैसा समाधान किया जाए? जी जी मतलब आप ये सवाल है आपका कि घर में लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच बनती नहीं है, तो इसमें ऐसे में कब तक समाधान होगा? तारा जी जरूर इनका समाधान जो है तकरीबन 5 से 6 महीनों में होगा, बट मुझे ऐसा लगता है समाधान के लिए दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। कार्ड ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये रास्ता निकालेंगे दोनों के लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि शायद दोनों ही पार्टनर्स को अपनी अपनी बात कहने की आदत है और दोनों ही पास से पुरानी बातों को बार बार उठा के लाते हैं, जो कि एक गलत बात है। जो बीत गया है उसे छोड़ देना चाहिए और अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है, बहुत अच्छी फैमिली होगी, हैप्पी फैमिली होगी। अगर आप अब बार बार पास्ट की चीजों को उठा के नहीं लाएंगे और झगड़े नहीं करेंगे, 5 से 6 महीने का समय दिख रहा है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं 5 नंबर वालों की। तारा जी 5 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं कार्ड? 5 नंबर वालों के लिए आज बहुत ही खूबसूरत दिन, काम में न्यू आइडियाज, न्यू जॉब, अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो आज का दिन काफी शुभ रहेगा। आज जो भी काम करेंगे बहुत इंटेलिजेंटली करेंगे, अगर कोई नया प्लान है आपके माइंड के अंदर तो उसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। रिश्तों में आज गिव 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 का डे है, मतलब आपको अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, पार्टनर्स के साथ बना के रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एडजस्ट भी करना पड़ेगा। ये भी समझना पड़ेगा कि देने से, रिश्तों में प्यार बांटने से या खुशियां बांटने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो आज इस समझदारी से आपको आगे चलना है। हेल्थ आज काफी बैलेंस है, थोड़ा सा सोच की वजह से थोड़ा मेंटल प्रेशर हो सकता है, उपाय के तौर पे यूकिलिप्टस ऑयल या कपूर घर में अगर शाम को जलाएंगे तो उससे काफी हेल्प मिलेगी। लकी कलर आज रहेगा ग्रीन और लकी नंबर है 4। चलिए आगे बढ़ते हैं तारा जी और बात कर लेते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं प्रथम। प्रथम जी स्वागत है आपका, अपना सवाल रख सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, मैं सरपंच जी के चुनाव में लगा हुआ हूँ, अलावलपुर गांव से हूँ, पलवल जिले से। मैं मैम कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा? जी जी आप कामयाब जरूर होंगे और आपका टाइम भी चेंज हो रहा है, अच्छा समय बहुत जल्दी आने वाला है, तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। चलिए बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अजय नाम है कॉलर का, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी मिल रही है मैडम।
जी अपना सवाल रख सकते हैं आप। मैडम 10 तारीख को मेरा लॉटरी का रिजल्ट आने वाला है, उसकी जानकारी चाहिए, वो बताना थोड़ा। जी देखिए लॉटरी में मुझे अभी तो नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मुझे दिख रहा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तारा जी 6 नंबर वालों की। 6 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड? 6 नंबर वालों के लिए आज डिलेज है, थोड़ा सा काम में डिले दिख रहा है, प्लान्स में चेंजेस दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि काम जो करना चाहते हैं उसमें आज थोड़े से सेटबैक रहेंगे, तो जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है, इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उनको पहले ही पोस्टपोन कर दें और कल के लिए प्रिपेयर करें। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि दूसरा इंसान एफर्ट्स नहीं कर रहा है, दूसरा इंसान आपकी तरफ पॉजिटिव नहीं है, बट जबकि सच्चाई ये है कि आपको भी थोड़ा सा आगे बढ़ना है, एक कदम लेना है रिश्तों में खुशी लाने के लिए। और हेल्थ काफी अच्छी है, हेल्थ काफी बैलेंस्ड है, हेल्थ में कोई भी इश्यूज नहीं है। साथ ही साथ अगर कोई जो कार्ड बता रहे हैं कोई गुड न्यूज की आप उम्मीद कर रहे हैं तो वो भी आज आपको जरूर मिल सकती है। लकी कलर रहेगा येलो और नंबर रहेगा 1। चलिए हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं दिल्ली से विजेंदर, बहुत बहुत स्वागत आपका विजेंदर जी, आवाज आपको मिल पा रही है तो अपना सवाल रखिए। मैम पता है क्या, पैसे आ रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे। जी जी विजेंद्र जी, इसके लिए मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस है काम के अंदर, जॉब के अंदर जो भी आप काम करते हैं, तो आपको अपने एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं पे पैसे आपको मूव कर देने चाहिए। मतलब जैसे ही आपके पास पैसे आए तो उसको किसी एक फिक्स चीज में मूव कर दे, मूवमेंट का कार्ड है, तो पैसे अपने पास ना रख के या तो अपने घर में या फैमिली में किसी को दे दे संभालने के लिए, तो जब आपके पास नहीं, अदरवाइज आने वाले समय में पैसों की इश्यूज आ सकते हैं मिसमैनेजमेंट की वजह से जो कार्ड्स बता रहे हैं, तो मूव करें पैसों को अपने पास ना रख के, उसको कहीं किसी फिक्स चीज में डाल दें ताकि आप निकाल ही ना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं तारा जी और अब बात कर लेते हैं 7 नंबर वालों की। 7 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड? जरूर 7 नंबर वालों के लिए आज कार्ड्स काफी अच्छे हैं। पीछे जो भी आपके पुराने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पुराने बॉसेस रहे हैं या पुराने लोग रहे हैं, वो आपसे आज वापस जुड़ेंगे काम के सिलसिले में, और उनके साथ काम करना काफी शुभ रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आज काफी अच्छा दिन है। पैसों अगर आप देना चाहते हैं तो आज आप बेधड़क दे सकते हैं, आपको वापस मुनाफा ही होगा, पैसे डूबेंगे नहीं। जो है करियर काफी अच्छा है आज। रिश्तों में भी आज आप एक कदम उठा रहे हैं, रिश्तों को आज इन्वेस्टमेंट की तरह आप सोच रहे हैं जो कि आपको पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी। आज जो लोग रिलेशनशिप में है उनके लिए भी आज कोई अच्छी खबर जरूर आएगी। हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं जो कि आपको अच्छी तरफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेके जा रहे हैं, तो हेल्थ भी काफी बैलेंस्ड है। लकी कलर है ग्रीन और नंबर है 5। चलिए अब बात कर लेते हैं 8 नंबर वालों की। तारा जी 8 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं काज? 8 नंबर वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी फिनेंसेस एंड गुड हेल्थ तीनों ही काफी अच्छी है, बट हमें कभी भी ये नहीं बोलना है कि आपको मेहनत का जरूर करनी है, काम में गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है, और नए प्लान्स भी काफी सक्सेसफुल रहेंगे। आज आप अपनी ही प्रॉब्लम्स को तोड़ के आगे निकलेंगे, उनसे उभर के आप आगे आएंगे और ये काफी अच्छा रहेगा। नेम एंड फेम भी आपको जरूर मिलेगा। रिलेशनशिप में ट्रस्ट करें और जितना आप आज ट्रस्ट करेंगे अपने रिश्तों के ऊपर उतना ही प्यार आपको वापस मिलेगा। हेल्थ में जो भी चैलेंजेस थे आप उनको ओवरकम बहुत ही खूबसूरती से कर रहे हैं। लकी नंबर है आज आपके लिए 1 और कलर है ग्रीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और तारा जी हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या सवाल है आपका? मैडम जी नमस्कार। जी मैडम जी, मैं मेरे को चार साल हो गए, मेरे को एक्चुअली में मेरी बीमारी का अंत नहीं हो रहा है। जी जी, तो मैं ठीक हूँगा कि नहीं? जी अपने स्वास्थ्य को लेकर उनका सवाल है और आपका डेट ऑफ बर्थ बताएं एक बार। मेरा 7/3/1977।
जी राजेश जी, सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब, आप ठीक होंगे या नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा कार्ड है और कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो अंदर इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत है। जैसे कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 7/3, तो आपका डेट ऑफ बर्थ ही इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा आप चैरिटी की तरफ, लोगों की हेल्प की तरफ ध्यान दें और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी के साथ आप जुड़े, आपको बहुत लाभ होगा। और जो आपका सवाल है कि आप ठीक होंगे, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे। बात कर लेते हैं तारा जी आखिरी नंबर 9 नंबर की। 9 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? 9 नंबर वालों के लिए कार्ड ये बताते हैं कि काम को लेके आज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपकी लेडी बॉस है, अगर आपकी बॉस आज कोई फीमेल है, तो वो आपको आज प्रॉब्लम कर सकती है, उनके साथ तनाव बन सकता है। तो पहले ही इसके लिए प्रिपेयर रहे, कोई गलती ना करे और कोई भी मौका ना दे कि आपको कहीं से कोई परेशानी आए काम में या बिजनेस के अंदर। रिश्तों में आप कहीं ना कहीं चीटिंग तो करते ही हैं, आप भागते हैं चीजों से, फेस नहीं करते हैं। चीजें अगर आपके सामने आती हैं तो फेस करने की जगह आप भाग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करें, सिचुएशंस को फेस करें, तभी रिश्तों में पॉजिटिविटी आती है। जो भी बात हो उसको कॉन्फिडेंस से और स्ट्रांग होके फेस करें। हेल्थ आज काफी अच्छी है, हेल्थ आपका पूरा साथ दे रही है। लकी कलर आपके लिए येलो, लकी नंबर है 7। चलिए तारा जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी अच्छी बातें बताने के लिए, और एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। अभी फिलहाल किस्मत